माय डियर फ्रेंड्स, मार्केटिंग बहुत लोगों ने की, बहुत लोग कर रहे हैं। सेल्स एक बहुत अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा एग्रेसिव सा एक बिजनेस है, लोग कर रहे हैं। बट व्हाट वी हैव लर्न्ड ओवर द इयर्स इज दैट इट्स मोर कॉस्टली टू फाइंड अ न्यू कस्टमर देन टू रिटेन एन एग्जिस्टिंग कस्टमर एंड गेट मोर बिजनेस फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग कस्टमर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दैट इफ समबडी हैज ऑलरेडी डिसाइडेड टू कम एंड बाय योर प्रोडक्ट एंड हैज ऑलरेडी परचेज्ड योर प्रोडक्ट, ठीक है, तो आगे उसी कस्टमर को फिर से उससे बिजनेस लेना एक आसान काम है इसके मुकाबले में कि आप एक नए कस्टमर को ढूंढें। यह चीज खास तौर पे एप्लीकेबल होती है उन बिजनेसेस में जहां आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मैनेज करना होता है। एग्जांपल्स, बैंक्स। एग्जाम्पल्स, सेल फोन कंपनीज। अब अगर हम बैंक्स की ही बात करें तो एक बैंक में आप गए, आपने अपने अकाउंट खोल लिया, राइट? अब पहला मेजर जो चैलेंज है दैट इज ऑलरेडी अचीव्ड, यानी आपके पास कस्टमर आप तक पहुंच गया। अब अगर बैंक थोड़ी सी एफर्ट करे और उसी कस्टमर को जो उनके पास ऑलरेडी मौजूद है उसको बेहतर सर्विसेज दे सके, उसको मजीद अपनी सर्विसेज ऑफर कर सके, यानी मे बी इन अ बैंकिंग सिचुएशन आप उसको क्रेडिट कार्ड दे सके, आप उस कस्टमर को पर्सनल लोन, कार फाइनेंस, होम फाइनेंस, इंश्योरेंस, अगर ये प्रोडक्ट्स बेचनी शुरू करें तो वो आसान होगा, कम कॉस्टली होगा एज कंपेयर टू फाइंडिंग ऑल टुगेदर न्यू कस्टमर्स। इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए ये सोचा गया कि फिर ऐसा क्या किया जाए कि कस्टमर्स हमारे पास जो आए वो रिटेन्ड रहे और उनको हम ज्यादा लॉन्ग टर्म सर्विसेज दे सकें। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ओनली पॉसिबल, यू कैन ओनली रिटेन कस्टमर्स व्हेन यू आर ट्रीटिंग देम वेल, व्हेन यू आर गिविंग देम व्हाट दे आर एक्चुअली इन नीड ऑफ। एंड हाउ कैन यू डिसाइड, हाउ कैन यू इंश्योर दैट यू डिलीवर, यू आर डिलीवरिंग द राइट काइंड ऑफ सर्विस? बाय हैविंग अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। इस रिक्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए या इस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए जरूरी है कि हमारा कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप कायम हो। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम अपने फैमिली रिलेशंस की भी बात करें, हमारे इर्द गिर्द हमारे बहन भाई दोस्त फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स सब किस्म के लोग हो सकते हैं, इन रिलेशंस की भी इंपॉर्टेंस, इनमें क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट है? योर अंडरस्टैंडिंग, your understanding of people, what they expect from you and what are the things that you should not be doing with them, right? जब आप customers के साथ relation की बात करते हैं तो वहां पर भी यही principle apply हो जाता है। A business must understand that what are the expectations of their customers. Customer क्या चाहता है, customer किस चीज को value करता है? अगर आपको यह समझ में आ जाए तो आप customer के साथ वैसा ही deal करेंगे जैसा वो आपसे चाहता है एंड आपका रिलेशन फिर इन एनी केस खराब होने का चांस नहीं होगा। जब आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? यू विल बी एबल टू गेट मोर बिजनेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड दिस इज व्हाट यू एग्जैक्टली वांट। आइए पहले कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे बात करने से पहले हम जरा कस्टमर लाइफ साइकिल का भी जिक्र कर लेते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग के फोकस में ही रहें तो कस्टमर का जो हमारा जो पहला टारगेट है दैट इज आइडेंटिफाइंग द राइट काइंड ऑफ कस्टमर्स, यानी वो कौन लोग होंगे, उनका क्या एज ग्रुप होगा, उनकी क्या एजुकेशन होगी, उनकी क्या प्रेफरेंसेस होंगी जो हमारी सर्विस या हमारे टाइप ऑफ बिजनेस में इंटरेस्ट रखते होंगे। लेट्स से हम ऑनलाइन गेम्स सेल करते हैं, अज्यूम करते हैं हमने ऑनलाइन गेम्स बनाए हुए, पीपल कैन कम एंड एंजॉय द गेम्स एंड वी चार्ज देम अकॉर्डिंगली। We need to identify who will be interested in that. क्या हमारे गेम्स में 60-65 साल 70 साल के लोग इंटरेस्टेड होंगे या 16-18-20 साल के यंगस्टर्स इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि ये जो चॉइस है हमारी, ये जो आइडेंटिफिकेशन है, इसकी बेसिस पे हमें आगे कुछ फैसले करने होंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफिकेशन एंड द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पीपल who might be interested in our product. Once you have done that, the second part which is very very crucial in e-marketing especially is customer acquisition. Acquisition kya hai?
पहली बारी कस्टमर का आपकी साइट तक, आपके बिजनेस तक आना। आपने कहा हम बहुत जबरदस्त किस्म की कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल करते हैं अपनी साइट पे। Who cares? There are a lot of other people also doing that. Now you have to offer something. You have to do something that should bring your relevant people, your relevant customers to your website, right? और जब पहली बारी कस्टमर आपके पास आ गया और उसने आके किसी भी किस्म की कोई ट्रेडिंग, कोई किसी किस्म की आपसे परचेजिंग कर ली, तो आपका पहला मेजर चैलेंज अचीव हो गया। और वो क्या है? एक कस्टमर आपने एक्वायर तो कर लिया, पहली बारी आ गया आपके पास, उसको आपके साथ एक एक्सपीरियंस हो गया कि फाइन, इफ आई गो टू दिस वेबसाइट, आई प्लेस ऑर्डर्स, ओके, आई कैन गेट समथिंग। अब यहां से आपका रिलेशनशिप पार्ट शुरू होता है। जब तक वो आपके पास आया नहीं था तो कौन सा रिलेशनशिप था भाई? कोई भी नहीं था। नाउ द कस्टमर इज विद यू, तो अब आप उसके साथ कस्टमर जो रिलेशनशिप है वो मैनेज करना शुरू करें। इन कस्टमर रिटेंशन, विच इज बेसिकली द थर्ड चैलेंज और द थर्ड स्टेप इन द लाइफ साइकिल, हम बेसिकली ये कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर अब जो आ गया हमारे पास उसको रिटेन कैसे करें। इसके लिए बहुत जरूरी है दैट देयर सर्विस एक्सपीरियंस शुड बी गुड। आप एक 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 साइट पे गए, आप amazon.com पे गए, आपने कुछ बुक्स ऑर्डर कर दी, राइट, पेमेंट भी कर दी क्रेडिट कार्ड से, उन्होंने कहा जनाब दीज बुक्स विल बी डिलीवर्ड टू यू इन 4 working days, और आपके पास बुक्स पहुंची 22 दिन के बाद, क्या होगा? You will be dissatisfied. आप कहेंगे यार, this is not a reliable site. I just don't want to deal with them again. Obviously, for obvious reasons. So एक दफा कस्टमर आपके पास आ जाए तो वहां पे कहानी खत्म नहीं होती, एक्चुअली वहां से कहानी शुरू होती है। तो अब आपको फिर ये इंश्योर करना होता है दैट यू सेटिस्फाई, यू कीप them satisfied with your service, with your quality of feedback, so that they should wish to come back to you again. अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप एडिशनल बिजनेस हासिल करेंगे विदाउट एनी सीरियस एडवर्टाइजिंग एफर्ट। जब आप रिटेन कर लेते हैं कस्टमर को, तो फिर अगला स्टेप आता है उस कस्टमर को मजीद निचोड़ने का, दैट इज कस्टमर एक्सटेंशन। कस्टमर ने जितना पहले आपको बिजनेस देना था वो तो दे दिया, अब हम उससे मजीद बिजनेस क्या ले सकते हैं? व्हाट आर दोज रेलेवेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जिनमें वो इंटरेस्टेड हो सकता है, उनको फिर आप तक पहुंचाया जाता है और आपको उनकी जो है ना वो डिटेल्स बताई जाती हैं, सो दैट अगर आप इंटरेस्टेड हैं या आपका उनमें कोई, बाद अगर डिस्काउंट्स भी ऑफर किए जाते हैं, स्पेशल पैकेजेस भी ऑफर किए जाते हैं टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, और उनको फिर उनसे मजीद बिजनेस लेने की कोशिश की जाती है। बहुत सारे बैंक्स पाकिस्तान में ये मैं अब इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल हमारे कन्वेंशनल बिजनेसेस हैं। वहाँ पे बहुत सारे बैंक्स अपने कस्टमर्स को फ़ोन करके मुख्तलिफ सर्विसेज, क्रेडिट कार्ड्स, तो कार लोन्स एंड ऑल दैट वो ऑफर करते रहते हैं। इसी तरह इंश्योरेंस सर्विसेज ऑफर होती रहती हैं। सिमिलरली जो सेल फोन कंपनीज हैं वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कभी उनकी अगर कोई इंटरनेट सर्विस है तो वो ऑफर करते हैं, कभी सेकेंड सिम सिमिलर नंबर की सेकेंड सिम ऑफर करते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। ऑल ऑफ दैट इज बेसिकली कस्टमर एक्सटेंशन। सो द आइडिया इज कि हम अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से ज्यादा बिजनेस किस तरह ले सकते हैं, इस चीज को इंश्योर किया जाए। तो हमने कस्टमर लाइफ साइकिल में हमने चार स्टेप्स डिस्कस किए। पहला स्टेप था आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स कौन होंगे, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो हमें कहां से मिलेंगे। सेकेंड इज एक्विजिशन, हाउ वी आर गोइंग टू एंड वेयर वी आर गोइंग टू फाइंड दीज काइंड ऑफ पीपल आउट। थर्ड इज वंस द कस्टमर्स आर विद यू, तो फिर उनको रिटेन कैसे करना है, हाउ वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट द कस्टमर हु इज अवर्स शुड रिमेन अवर्स फॉर अ लॉन्गर टर्म। एंड फाइनली वंस अ कस्टमर इज योर्स, तो उससे फिर मजीद बिजनेस कैसे लेना है, दैट्स कस्टमर एक्सटेंशन।